नागालैंड में एक सीट पर जदयू को मिली जीत के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह ने विजेता विधायक को बधाई नहीं दी है। जनता दल यूनाइटेड ने नागालैंड विधानसभा चुनाव में एक सीट पर कामयाबी हासिल की है। नागालैंड के तसिमिन्यू विधानसभा क्षेत्र से जदयू के जवेंगा सेब ने जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार लोगू सेंग सेम्प को 2563 वोटों से मात दी है। जदयू ने नागालैंड से उम्मीद लगाई थी, लेकिन पार्टी को सिर्फ एक ही सीट पर जीत नसीब हुई है। एक तरह से यह नागालैंड में जदयू को बड़ा झटका है। जदयू को लगे झटके का असर पार्टी प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू अध्यक्ष ललन सिंह पर भी देखा जा सकता है। नागालैंड में भले जदयू एक सीट पर जीती हो, लेकिन तसिमिन्यू विधानसभा क्षेत्र से जदयू के जवेंगा सेब को मिली जीत की बधाई का कोई संदेश नीतीश या ललन ने सोशल मीडिया हैंडल पर नहीं दिया है। चुनाव परिणाम आने के 12 घंटे बाद भी न तो नीतीश ने और न ही ललन ने, यहां तक कि न जदयू के पेज पर कहीं भी जवेंगा सेब की जीत पर कोई भी बधाई संदेश दिया गया है। बता दें कि न सिर्फ जदयू एक सीट पर सिमट गई है, बल्कि उसका वोट प्रतिशत भी कम हुआ है। पहली बार 2003 में नागालैंड में जदयू के 3 विधायक जीते, 2013 में, 18 में और अब 2023 में एक एक सीट पर जीत मिली है। 2018 के चुनाव में जदयू ने 13 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि मौजूदा चुनाव में केवल 7 सीटों पर जदयू चुनाव में उतरी थी। 2018 के चुनाव में नागालैंड में जदयू को 4.5% वोट मिले थे, जबकि इस बार के चुनाव में जदयू को सिर्फ 3.25% वोट ही मिला है। वही चुनाव के पहले जदयू ने नागालैंड में 3 से 4 सीटों पर जीत और 6% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा था। जदयू खुद को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की कोशिश में है। इसके लिए पार्टी की कोशिश राज्य में 6% वोट लाने की थी। इस लिहाज से नागालैंड का चुनाव बेहद अहम माना जा रहा था। पार्टी ने इसके लिए काफी पसीना भी बहाया था। यहां तक कि जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह खुद ही नागालैंड में चुनाव प्रचार करने गए थे। बावजूद इसके पार्टी को सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिली है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।